गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिंदी में बोलेंगे शुभ सवेर। आज हम पढ़ेंगे हिंदी और हमारा विषय है तीन वर्ण वाले शब्द। तीन मींस थ्री। पहले हमने किया था दो वर्ण वाले, जैसे कप कप, दो थे ना उसमें। अब हम करेंगे तीन। तीन में एक म है, एक ट है, एक र है, तो बन जाएगा मटर। अब देखो यहाँ पे म ट र, ये है मटर। ये क्या है? मटर। ठीक है, ये मैंने आपको दे दी इसका परिचय। लेकिन आपको पहले, सबसे पहले मैंने बताना है आज का शुभ विचार। शुभ विचार आज का क्या है? सदा सच बोलो, सदा सच बोलो। ठीक है, और चलो अब हम करते हैं ये वाले तीन अक्षर वाले शब्द। वर्ण को अक्षर भी बोलते हैं। देखो सारी पिक्चर देखो, चम्मच, बतख, कमल, सड़क, मटर। ये तो पिक्चर के साथ आपको अच्छे से पता चल रहा है, ठीक है, कि ये है हमारे तीन वर्ण वाले शब्द। ठीक है, और इसके बाद देखो बोर्ड पे हम दोबारा से, मैंने आपके लिए वर्ड लिखे हैं, शब्द लिखे हैं, हम इसको पढ़ेंगे। पहला है म ट र, तीनों वर्ण मिलेंगे तो एक शब्द बन गया मटर। मटर आपने इसको इकट्ठा बोलना है। जो पहले देखो मटर, 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 ये देखो मटर है। उसके बाद नंबर दो पे देखिए ब त ख। अब बतख, बतख नहीं छोड़ना, हमने बोला बतख, 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 ये देखो पिक्चर है बतख। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं डक, हिंदी में बोलेंगे बतख, बतख। नंबर तीन, नंबर तीन पे क्या है? क म ल, कमल, कमल, ये देखो इंग्लिश में बोलते हैं लोटस। आपको पता है जो लोटस हमारा नेशनल फ्लावर है, तो हिंदी में हमारा जो कॉम का जो फूल है उसका नाम है कमल। दिस इज लोटस, हिंदी में बोलेंगे कमल। इसको मिलके तीन वर्ड ने मिलके बनाया है कमल, कमल। नंबर चार पे आइए ब ट न बटन, 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 ये देखिए बटन है, आपकी शर्ट पे लगा होता है, कोट पे भी लगे होते हैं बटन। नंबर पांच ग, फिर से ग न, ग ग न, ठीक से पढ़िए ग ग न, गगन, गगन होता है आसमान। ये देखो आसमान में बादल है ना, बीच में शेडिंग, ये गगन है, गगन। ठीक है, ये हमारे बुक, हमने यहाँ से रीडिंग करी। बच्चों जितना हम ज्यादा रीडिंग करेंगे, हम शब्दों को जोड़ के पढ़ेंगे, तो हमारा अच्छी हमारी भाषा हो जाएगी। ठीक है, अब इसके लिए हम और रीडिंग करते हैं। मैम आपको हमेशा बोलती है बेटा रीडिंग, एवरी टाइम वी हैव टू रीडिंग, हमें हमेशा रीडिंग करनी है। अगेन ये देखो बतख हमने पढ़ लिया, बतख, बतख। अब ये देखो भगत है ना, भगत, भगत, झपट, झपट, ये देखो उसको पकड़ रहा है ना, ये झपट, 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 ये वर्ड है झपट। ठीक है, आगे है वजन, वजन, वेट। ये देखो जब मम्मी वेजिटेबल लाती है मार्केट से, कुछ भी चीज हम लाते हैं उसका वेट करते हैं ना, उसमें ये होते हैं ना जो, इसको वजन बोलते हैं, वजन। आगे देखो बटन, हमने भी बटन किया ना अभी, बटन, बटन। नयन, नयन, देखो बेटा आपकी आईज है ना, आंखें, आंखों को हम नयन बोलते हैं, नयन, नयन, ये आपके लिए वर्ड है न्यू। वैसे हम नयन हम रोज नहीं बोलते, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी आईज होती है इनको आंखें भी बोलती है, इनको नयन भी बोलते हैं। ओके चिल्ड्रन, इसके बाद हम देखो हमारे पास और है रीडिंग, लेट अस रीड। देखिए क्या है यहाँ पे, और वर्ड है हमारे पास, ये देखो नमक, नमक, भवन, भवन, भगत, भगत, महल, महल, नहर, नहर, सड़क, सड़क। आगे है नमन, नमन मतलब प्रेयर करना, नमस्कार करना, नमन, नमन, लपट, लपट, ये देखो आग की लपटे होती है उसको बोलते लपट, लपट, रबड़, रबड़, ये सबको पता है, लहर, 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 भजन, भजन। अब देखो ए, एनक, एनक, ये ए हमारा है, क्या है ये? स्वर, एनक, एनक। ठीक है, स्वर अब यहाँ पे हमारा आ गया, ये मात्रा होगी, हम बाद में सीखेंगे। ओके बेटा, चलो अब हम करते हैं गतिविधि, एक्टिविटी, एक्सरसाइजेस करते हैं, अभ्यास के लिए है, वेरी इजी, बहुत आसान है। चित्र देखकर सही शब्द पर सही का निशान लगाएं। पहले चित्र देखो, अपने चित्र देखना, इसमें ढूंढो ये कमल कहाँ लिखा है। रीड करेंगे सारे वर्ड, कलम, कलम, कमल, कमल, यहाँ पे हम टिक मारेंगे, ये मकल नहीं हमें चाहिए,
ये क्या है? मटर। ढूंढो इसमें कहां पे मटर। पहले रीड करेंगे, मगर मगर, मटक मटक, मटर मटर, ये रहा मटर। इसको टिक करेंगे, ठीक है? ऐसे नेक्स्ट है, ये देखो, ये तो सीधा ही लिखा है, शहद की शीशी है ना, शहद 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 शहद, यहाँ पे टिक कर देंगे, शहर नहर। लेकिन रीडिंग आपने सबको कर लेना है। अब देखिए ये क्या है, ये है भवन। पहले पिक्चर देखो, भजन भजन, भवन भवन। अब ये भवन है, ये भवन के टिक करेंगे, भगत 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 नहीं करेंगे। देखो ये क्या है, बतख। वेरी इजी, बहुत ही आसान है। बटन बटन नहीं करेंगे, बहन बहन नहीं करेंगे, बतख बतख को टिक करेंगे। बड़ी अच्छी एक्सरसाइज आपके लिए ये। आगे देखिए, मैंने अभी अभी बताया आपको कि ये है नयन। अब इसमें नयन ढूंढेंगे, नरम नरम, नयन नयन, नमक नमक। देखो बेटा, नयन, ये तीनों वर्ड न से हैं, या ब से है, मतलब पहला अक्षर आपको सेम मिल रहा है, लेकिन हम इसको रीड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है? हम और एक्सरसाइज करते हैं एक, ये भी बहुत आसान है। इसमें आपने क्या करना है, सिर्फ आपने ये जो वर्ड लिखा है ना, मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। एक आमा न मटर चख, ये कौन सी पिक्चर है, मटर। आपने इसको सेम लिखना है बेटा, अमन, ये पिक्चर का नाम है मटर, मटर चख। ये वर्कशीट आप जब करेंगे, एक मैंने आपके लिए कर दी है, आपने बिल्कुल ऐसा करना है। ये भी सेम है, एनक, ये क्या है, मदन। क्या भरना है इसमें आपने, जल भर, ये दो अक्षर वाला आ गया है, ठीक है? और ये है देखो, जय बतख मत पकड़। यहाँ पे क्या लिखोगे, जय बतख मत पकड़, ये सेम आपने इसके नीचे लिखना है। और आगे देखिए, लाल पेंसिल यहाँ लिखा है, लेकिन अपने लाल से जरूरी नहीं है, आपने इसको किसी भी पेंसिल से लिखना है, इसके नीचे नीचे ये राइटिंग है आपकी। ओके चिल्ड्रन, ये है आपकी वर्कशीट। और रीडिंग के लिए मैम आपको और देंगे फिर पेजेस। अब ये आपने जो मैं वर्कशीट आपको भेजूंगी बेटा, आपने खुद करनी है इसको, अच्छे से थॉरली प्रॉपरली अच्छे से इसको रीड करना है। अब रीडिंग आप दो वर्ण वाले के बाद तीन वर्ड की रीडिंग, तीन वर्ण वाले शब्दों की रीडिंग करोगे, तीन अक्षर भी कह सकते हो कि स्वर और व्यंजन जो ये है हमारे हैं, इसके साथ हमारे मिलके बनते हैं अक्षर, ठीक है चिल्ड्रन? ओके ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।